टुडे द टॉपिक ऑफ अवर डिस्कशन इज़ पावर बी और आने वाली चंद वीडियोस में मैं इन डेप्थ डिस्कशन करूँगा पावर बी पे और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ड्यूरिंग दिस कोर्स हम जौन सी भी डिवाइस लेंगे उसकी डिटेल में जाके uh, उसी कंस्ट्रक्शन उसकी करेक्टरिस्टिक्स उसकी ऑपरेशन और उसकी स्विचिंग करेक्टरिस्टिक्स को हम इन डेप्थ डिस्कशंस करेंगे Before we going to start with the uh, our today's topic. Uh, basically, I would like to uh, start my discussion uh, from background purpose So basically hai ye ke, uh, what will be the the difference between power BGT and Small signal transistor। अब ये डिस्कशन क्यों ज़रूरी है बेसिकली आपको पता ही है कि BJT इज़ वन ऑफ दोज डिवाइस जो आपके पास नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अवेलेबल होती हैं तो आपने वहाँ पर भी उसको पढ़ावा होगा और आपका उसका भी कोई बैकग्राउंड होगा uh, मेरा बेसिकली मकसद ये है कि आई वुड ट्राई टू हाईलाइट के डिफरेंसेस क्या हैं अगर आप पावर BJT बनाते हैं या पावर BJT यूज़ करते हैं तो क्या चीज़ें जो हैं वो inherently devices, devices में different हैं। Why isn't so, कि हम उन दोनों को एक single, एक ही कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते क्या वजूहत हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑपरेशन है अगर हम ऑपरेशन के लिहाज से देखें कि तो सबसे पहली बात तो ये कि जो उसका usage है वो एम्पलीफायर है वेर एज जबकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पावर बी जी टी है हम जो यहाँ पर पावर बीजी टी की हम बात करते हैं तो पावर बी जी टी को हम एज ए स्विच यूज़ करते हैं इसका सबसे पहले इनहेरेंट uh, डिफरेंस है जो आपको समझना चाहिए कि जो एप्लीकेशन के लिहाज से है ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली uh, अगर मैं कहूँ तो इज एन एक्सटेंशन ऑफ द डायोड दानसेप्ट क्योंकि ट्रांजिस्टर uh, जो है इट्स बेसिकली तीन रीजन से मिलके बना होता है we have an n region we have a p region and then we have n again in n region and if we look closely so basically these are basically two diodes made back to back with each other diode junction n p we have three terminals one is called the emitter terminal uh, it is used to emit carriers uh, that basically will be uh, originally constituting the current uh, the base uh, that would be obviously देट विड बी ऑबियसली प्रोवाइडिंग समर्ट ऑफ इनपुट इन अवरकेस एंड द कलेक्टर विरऑल दैरियर्स विल भी basically be collected ठीक है बेस जो है ना वैसे इन सही बात करें तो वो एक कंट्रोल टर्मिनल है ठीक है तो ये इसका बेसिकली जो है वो है अच्छा अब अगर जो हम बात करें कि ट्रांसर इसका यूज़ किया जाता है एज एन एम्पलीफायर सो वी नॉर्मली नॉर्मली यूज़ ट्रांजिस्टर्स इन थ्री कॉन्फिगोरेशंस ठीक है थ्री कॉन्फिग्रेशन में हम जो है ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करते हैं तो वो ट्रां कॉन्फिगेशन क्या हैं फर्स्ट इज बेसिकली दॉमन इमेटर कॉन्फिग्रेशन ठीक है uh, okay, ये हमारी सबसे पहली कॉन्फिग्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड इज बेसिकली कॉमन बेस कॉन्फिग्रेशन है और थर्ड वन इज बेसिकली दी कॉमन कैलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस ठीक है ये तीन बेसिकली कॉन्फ़िगरेशंस में ये यूज हो सकता है ठीक है और अगर हम इनकी एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारे पास कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन है इसे जनरल एम्पलीफायर और बेसिकली वी कॉल इट ए पावर एम्पलीफायर and the reason behind is that k uh, it can basically amplify voltage and current it can basically be amplifying uh, voltage as well as current whereas the common base is basically a voltage amplifier so it will only basically amplify the voltage or just a common collector is the current amplifier amplifier as uh, it's going to basically only amplify the current so yeah, so, yeah so the year you have configurations so, one important thing that you need to understand if you talk about the power vgt and from the power electronics perspective so only common emitter configuration is important for us because it is the only configuration we will be using as a switch ठीक है ये यानी बेसिकली हमारे लिए ज़्यादा अहमियत की हामिल है और हम इसी को एज अ स्विच यूज़ करते हैं वेन वी एवर टॉक अबाउट ट्रांजिस्टर और इट्स एम्पलीफिकेशन इशूज़ अच्छा तो ये तो यानी बेसिकली इसका हवाले से हो गया अब बेसिक जो सबसे मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी सर्किट है कॉमन इमीटर का सो लेट्स ड्रा दैट वन यहाँ पर जो मैं ड्रा कर रहा हूँ आई एम डॉन्ट टेकिंग इन दी एसपेक्ट ऑफ इट आई मीन जस्ट बेसिकली मेकिंग डी सी एसपेक्ट ऑफ इट बेसिक डिवाइस ले रहे हैं एंड विल सी कि ये बेसिक डिवाइस जो है किस तरीके से एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ होती है एंड हाउ वी कैन मेक इट यूज़ एज अविच एज वेल ठीक है ना तो ये बेसिकली थोड़ा सा है ये सिम्पल सा एक सेक्रेट है मोस्ट ऑफ दी Students basically do this circuit in in first year or a second year whenever you study the transistor. So this circuit is basically used for um, finding out the characteristics input, uh, the characteristics of the transistor. So here you have a resistor RC. Here you have RB. So we have a supply VBB here, and a supply here VCC. So basically, we have a uh, if we could put clearly see. तो यहाँ पे आपके पास जो है एक इनपुट सर्किट है एंड वी हैव ए करंट फ्लोइंग इन टू इट एंड देन वी हैव ए आउटपुट सर्किट एंड वी हैव ए करंट फ्लोइंग इन टू इट तो यहाँ पे आपके पास बेस करंट चल रहा होता है और यहाँ पे आपके पास कलेक्टर करंट चल रहा होता है दिस अ कॉमन टर्मिनल कॉमन टर्मिनल जो होता है इसके अंदर हमारे पास इमेटर करंट है जो uh, हमारे पास डिफरेंट करंट वेरिएबल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर अब ऑब्वियसली uh, ये सब ने सर्किट्स बनाए हुए होते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दी करिएटेरिस्टिक्स ट्रांजिशन की क्रिएटेसिस जो होती हैं uh, इसको डिफाइन करने के लिए टू टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व तो हम यूज कर रहे हैं कॉमन कॉमन कॉम्य कॉन्फिग्रेशन और उसके लिए हमारे पास हैं दो टाइप्स की करेक्टरिज इनपुट करिएटेरिस्टिक्स ठीक है इनपुट करेक्टरिस्टिक्स और हमारे पास है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है ये बेसिकली है हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कंटेक्टर जो हमें अच्छा इनको अब ड्रॉ करने के लिए करना क्या पड़ता है एक चीज जो प्रैक्टिकली जब फंडामेंटली हम बात करते हैं तो बेसिकली इनपुट करेटरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको कोई एक आउटपुट वेरिएबल कंट्रोल क्योंकि ये दो सर्किट्स जो, जो है ना आर बेसिकली एसोसिएटेड ईच अदर ये इसमें एक बड़ा इशू uh, होता है कि अगर आप एक सर्किट के अंदर चेंज करेंगे यानी इस इनपुट सर्किट में अगर आप चेंज करेंगे तो ऑबियसली इट विल हैव सम इफेक्ट्स ऑन द आउटपुट सर्किट एज वेल वेयर एज अगर आप आउटपुट uh, सर्किट में कोई चेंजेस करेंगे तो यू विल हैव इफेक्ट्स ऑन द इनपुट सर्किट एज वेल जब भी आप कोई पैरामीटर्स निकाल रहे होते हैं या कोई रिलेशनशिप्स ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप चाहते होते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली uh, uh, दो जो चीज़ें जिनको अंदर मैन ऑफ रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं सिर्फ उन्हीं को वेरी करें या उन्हीं में चेंजेस आए उसके रिस्पेक्टिवली कोई और चेंजेस ना हो जाए सर्किट के अंदर सो so, अगर आप इनपुट क्रिएटेडिस्टिक फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि जो आउटपुट के वेरिएबल्स हैं या जो पैरामीटर्स हैं दी मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ठीक है इसी तरीके से अगर आप आउटपुट सर्क्यूट क्रिएटेडिस्टिक फाइंड आउट कर रहे हैं तो यू वाइन्ट फाउंड फाइंड के जो इनपुट के जो वेरिएबल्स हैं वो कॉन्सटेंट अब इस चीज़ के लिए आप क्या करेंगे यानी कि आप ऑब्वियसली सम हाउ यू ट्राई टू कंट्रोल दीज वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ दीज रजिस्टर्स जिनको हम वेरिएबल वेरिएबल रजिस्टर्स जो हैं वो आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे अच्छा अब बेसिकली इनपुट करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए आप जो है बेसिकली uh, ड्रॉ uh, करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन दी बेस टू ईमीटर वोल्टेज वर्सेस बेस करंट एंड दिस रिलेशनशिप विल बी फाइंड आउट विद द आउटपुट वोल्टेज दैट इज द वी सी ई रिमेनिंग कॉन्सटेंट ये आपने बड़ी जरूर रखना है कि आपने जो है बेस टू मीटर का जो अगर अगर, अगर आप बेस करंट का फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपका वी सी ई जो है वो कॉन्सटेंट रहना चाहिए इसी तरीके से अगर आप आउटपुट करेटिस्टिक्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उधर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वी सी ई वर्स आई सी होता है और एट दिस विल बी डन विद बेस करंट रेमिंग कांस्टेंट ठीक है ये जो है आपकी जो है आउटपुट करेटरिस्टिक सो इन चीज़ों को कांस्टेंट रखते हुए जब आप ये कर्व ड्रॉ करते हैं तो आपके पास इनपुट करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं ठीक है ठीके? तो हम यहाँ पे इसको कर्ज जो कर्ज बनती हैं डिफरेंट हम उनको ड्रा कर लेते हैं सो so, अगर मैं इनपुट साइड पे लूँ तो मेरे पास जो है ऑन द वाई एक्सिस आई हैव द बेस करंट एंड ऑन द एक्स एक्स आई हैवी बी ठीक है सिमिलरली अगर मैं इसी तरीके से आउटपुट ग्रेटिस देखूँ आई हैव बेसिकली वी सी ई एंड देयर वी हैव आई सी क्लियर अच्छा अब इधर बेसिकली मैं अगर जब कीपिंग दी सी ई कॉन्स्टेंट अगर मैं ड्रा करता हूँ आई गेट ए दिस टाइप ऑफ कर्व ऑन द इनपुट साइड सो हेयर द बी सी ई इज कॉन्स्टेंट ठीक है इसी तरीके से अगर मैं आउटपुट पर देखूं तो आई गेट ए डिफरेंट कर लाइक दिस कीपिंग दी आई बी कॉन्स्टेंट सो आपने ये कहा ऑब्वियसली ये किसकी कर्व आ गई और यू कैन ड्रॉ मल्टीपल कर्स बाय जस्ट ओ दी वैल्यूज ऑफ दी पैरामीटर्स अगर आप यहाँ पे वी सी की करेंगे तो ये कर्व शिफ्ट हो जाएगी फर्दर आएगी आगे एक और कर्व आएगी इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बेस uh, करंट की वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो यू विल गेट ए अनदर कर्व ऑफ दिस वैल्यू सिमिलरली अगर हम और चेंज करें तो हमें एक और कर्व मिल जाएगी ठीक है एंड इट विल दिस हैव ए अनदर कर्व और वी हैव इन अनदर कर्व, दैट्स इट तो देखिए बेसिकली अगर आप ये देखें कि बेस करंट की वेरिएशन के साथ जो है अगर आप वेरिएशन करें कीपिंग द बेस करंट कॉन्स्टेंट आप अगर डिफरेंट uh, वैल्यूज़ लेंगे तो आपको ये कर्व्स इस तरीके से मिल जाएंगे दीज आर कॉल्ड द आउटपुट एंड करेटरिस्टिक्स हैं कॉल्ड द इनपुट करेटेरिस्टिक्स सो क्लियरली वी सी दैट के जो uh, हमारी जो इनपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं ये सॉर्ट ऑफ बिहेव बिहेवियर डायोड यानी अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ तो इसका जो है ये एक डायोड बिहेवियर है जो uh, हमें क्लियरली नज़र आ रहा है ठीक है हाँ इनपुट करेक्ट आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसमें हमारे पास क्या बिहेवियर आता है वो क्या है इससे पहले कि हम सर इसमें ज़्यादा डिटेल्स में जाके देखें तो मैं आप यहाँ पर तो एक चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये जो हमारे पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बेसिकली डिवाइडेड होती हैं थ्री रीजनस में दिस रीजन इज कॉल्ड द कट ऑफ रीजन कट ऑफ रीजन दिस रीजन इज कॉल्ड द एक्टिव रीजन and uh, the re this region is called the saturation. So when we use transistor as an amplifier, it is operated. It is operated in active region. This is elementary basically. But in here, यहाँ पे उसकी repetitions करने का मकसद ये है कि आपको highlight हो सके कि क्या basically. अब ये active region के अंदर उसको operate करते हैं. don't operate in cutoff or the saturation basically which is required in the switch so if it if you yeah amplifier okay? yeah, yeah. and if you use it as a switch then transistor will operate in saturation. एंड कट ऑफ़ कट ऑफ में जाएगा ठीक है तो एक्टिव रीजन में जब ऑपरेट करते हैं तो ये एम्पलीफायर के तौर पे बिहेव करता है इफ़ यू लुक एट दी दिस ग्राफ तो हमें एक एक चीज़ नज़र आएगी फ्रॉम द सर्किट थी सर्किट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं सर्किट्स की नॉलेज को यूज़ करूँ तो हमने देखा था कि वहाँ पे हमारे पास करंट सोर्स होता है इन करंट सोर्स की जो करियलिस्टिक्स होती है वो बिल्कुल अस्ट्रेट लाइन होती है सिमिलरली आस आई सी एक स्ट्रेट लाइन हेयर ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होती क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल आइडियल करंट सोर्स जैसी हो जाती है लेकिन इट्स इट अज स्लांटिंग वन लेकिन वी कैन इट विद अप्रॉक्सीमेटेड स्ट्रेट लाइन सो वी सी दैट कि एज एन एम्पलीफायर जब हम यूज़ करते हैं कॉमन इमेटेड कॉन्फिग्रेशन में द ट्रांजिस्टर इज़ बिहेविंग एज ए करंट कंट्रोल्ड क्योंकि देखें यहाँ पे हमने जो इनपुट ली हुई है वो बेस करंट की करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स के तौर पे बिहेव करता है व्हेन वी यूज इट एज एन एम्पलीफायर इट बिहेव एज ए करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है वी विल नेक्स्ट इन डिस्कस हाउ दिस एम्प्लीफिकेशन टेक्स प्लेस एंड देन वी विल फर्दर गो एंड सी The other details that is needed, we can we derive is some mathematical relationships as well. Thank you.